चलिए शुरू हो गया। सुन सर्कुलर फंक्शन में आप लोगों ने बहुत सारे फार्मूला ड्राइव किए थे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन एंड कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह के बहुत सारे फार्मूलों का डेरिवेशन किया हम लोगों ने, और कैसे डेरिवेशन होता है एक्सपोनेंशियल फार्मूले की मदद से उसके बारे में जाने और अच्छी तरह समझे, उससे समझ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हाइपरबोलिक फंक्शन से संबंधित डिफिनेशन पढ़ेंगे और इससे संबंधित बहुत सारे आइडेंटिटीज सर्टिफाई करेंगे और उससे संबंधित हो सकता है एक दो न्यूमेरिकल भी हो जाए। तो सबसे पहले तो हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है देख लीजिए, फॉर एनी एक्स एंड वाई रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर the function e to power x plus e to power minus x is divided by 2. इस क्वांटिटी को e to power x plus e to power minus x divided by 2, जहां की एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पावर x पे e to power x and e to power minus x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है minus x पे, इसका एक्सपेंशन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एम 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरह करके होता है। तो इस रेशियो को हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन के नाम से जानते हैं और इस रेशियो को कोसाइन फार्मूले से ड्राइव किया जाएगा। तो इसका कोसाइन एंड इज डिनोटेड बाय denoted by cos cosine hyperbolic function hyperbolic function सेम बात में हम लोग इसको cos hyperbolic के रूप में denote करते हैं, cos hyperbolic x। तो cos hyperbolic x is equal to e to power x plus e to power minus x by 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसी रेशियो को हम लोग cos hyperbolic function कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं that is cos hyperbolic x is equal to e to power x plus e to power minus x by 2। cos hyperbolic function को इस तरह ड्राइव कर सकते हैं, लिखना कर सकते हैं cos hyperbolic is equal to e to power x plus e to power minus x by 2 होता है। तो एक रेशियो है एक्सपोनेंशियल रेशियो जिसको कि हम लोग cos hyperbolic के नाम से जानते हैं cos hyperbolic function। इसी तरह हम लोग sin hyperbolic को भी परिभाषित कर सकते हैं सिमिलर भी, द क्वांटिटी e to power x minus e to power minus x by 2 is called cosine, is called sine hyperbolic function and is denoted by sin hyperbolic x is equal to sin hyperbolic x, that is means this ratio को इस quantity को e to power x minus e to power minus x by 2 जहाँ के exponential function है power x में and second पे exponential function है power minus x में, इन दोनों का difference divided by 2 जो ratio बनता है जो quantity बनती है उसको हम लोग sin hyperbolic x के रूप में लिखते हैं इस quantity को ratio को। तो लिखा जा सकता है साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू इन टू पावर एक्स माइनस इन पावर माइनस एक्स बाय 2, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू इन टू पावर एक्स माइनस इन टू पावर माइनस एक्स बाय 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक इज इक्वल टू इन टू पावर एक्स प्लस इन टू पावर माइनस एक्स बाय 2। ये दोनों क्वांटिटी साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक के नाम से पहचाने जाते हैं। इसी से हम लोग आगे बहुत सारे
ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ट्रैक कर सकते हैं, जैसे टैन हाइपरबोलिक फंक्शन, कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन, सेक हाइपरबोलिक फंक्शन, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, जो मूल रूप से छह हैं, उन सारे को इसी के बेस पे लिखा जा सकता है। तो लिख लीजिए सभी को, यहाँ लिखिए देन टैन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, टैन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, टैन साइन एंड कॉस का रेशियो होता है, तो उसको लिख सकते हैं टैन साइन एंड कॉस के रेशियो में, टैन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। जैसे सर्कुलर रेशियो में आप लोग पढ़े हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, उसी तरह हाइपरबोलिक में भी चलता है। तो हाइपरबोलिक में टैन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स। और सारे रेशियो जो छह रेशियो मूल हैं सब में एक फार्मूला ड्राइव होगा, इसी तरह जिस तरह सर्कुलर फंक्शन में पढ़ के आए हैं, जैसे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा, तो इसमें बस हाइपरबोलिक यूज हो जाता है। और हाइपरबोलिक के लिए मूल रूप से की क्वांटिटी याद रखनी पड़ती है, कॉस हाइपरबोलिक इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू, एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू। तो ये मूल रूप से इन दो रेशियो को याद रखिए, दो क्वांटिटी को, और उसके अनुसार सारे रेशियो आप लिख सकते हैं। तो ये लिखा जा रहा है टैन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई कॉस कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब इसमें साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो भी मान है उसको पुट करते हैं हम लोग, देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान है टू पावर एक्स माइनस टू पावर माइनस एक्स बाई टू, एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मान है टू पावर एक्स प्लस टू पावर माइनस एक्स बाई टू। तो यहाँ लिख दीजिए साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान टू पावर एक्स माइनस टू पावर माइनस एक्स बाई टू, इसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे एंड डिनोमिनेटर में लिखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मान। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मान देख रहे हैं क्या होता है, e टू पावर एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स बाई टू, यहाँ पे लिख दीजिएगा e टू पावर एक्स प्लस e टू पावर माइनस एक्स बाई टू। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करिएगा, सिंप्लीफाई करने का तरीका पढ़ चुके हैं किस तरह होता है, तो ये न्यूमरेटर में पड़ेगा आपका e टू पावर एक्स प्लस e टू पावर माइनस एक्स बाई टू, इन टू कर दीजिएगा तो टू डिवाइडेड बाई e टू पावर एक्स प्लस e टू पावर माइनस एक्स, टू एंड टू कैंसिल करने के बाद रेशियो आ जाएगा e टू पावर माइनस e टू पावर एक्स माइनस e टू पावर माइनस एक्स बाई e टू पावर एक्स प्लस e टू पावर माइनस एक्स। तो ये पहला फार्मूला रहेगा टैन हाइपरबोलिक एक्स का, जिस तरह हम टैन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं e टू पावर एक्स माइनस e टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू पावर एक्स प्लस e टू पावर माइनस एक्स, दैट इज टैन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू e टू पावर एक्स माइनस e टू पावर माइनस एक्स बाई e टू पावर एक्स प्लस e टू पावर माइनस एक्स। तो टैन हाइपरबोलिक एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने पुराना रेशियो यूज किया है जो सर्कुलर में यूज करते थे, उस तरह हाइपरबोलिक यूज करता है साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स रेशियो होता है क्वांटिटी जो डिफाइन किया गया है डेफिनेशन में, उसका वैल्यूएशन पुट कर देंगे, और कॉस हाइपरबोलिक भी ये रेशियो दिखाया गया है पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू, इसको पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई देख रहे हैं कैसे किया गया है, और उसको कैंसिल, सो ये रेशियो बचेगा ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। इस रेशियो को हम लोग टैन हाइपरबोलिक एक्स के नाम से पहचाने के तो ये कंप्लीट लिख सकते हैं, टैन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू e टू पावर एक्स माइनस e टू पावर माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय e टू पावर एक्स प्लस e टू पावर माइनस एक्स। इसके बाद कॉट हाइपरबोलिक एक्स की चर्चा करेंगे, तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है, कॉट में देखिए सर्कुलर में क्या पढ़ते हैं, कॉट कॉट का कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो उसी से इसको भी लिखा जाता है कॉट हाइपरबोलिक में कॉस हाइपरबोलिक कॉस
में साइन हाइपरबोलिक रहेगा। ठीक, तो यहाँ आप कर सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स। फिर से पुराना मेथड इस तरह टाइम हाइपरबोलिक एक्स में हम लोगों ने साइन का क्वांटिटी रखा, साइन का रेशियो रखा, उसके बाद कॉस रेशियो रखा कॉस हाइपरबोलिक का, और उसको सिंप्लीफाई की और एक रिजल्ट भी यहाँ पहुँचे हैं। उसी तरह पार्ट के साथ भी करेंगे एंड पार्ट हाइपरबोलिक में सबसे पहले हम लोग कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मान रखेंगे। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मान देखते हैं क्या है, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू, इतनी क्वांटिटी न्यूमरेटर में रखिएगा एंड डिनोमिनेटर में देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान रख लेंगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू रहेगा ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू। इसको सिंप्लीफाई ऐसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने टाइम हाइपरबोलिक में सिंप्लीफाई किया है, तो इन्वर्स कर लीजिएगा ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू इंटू टू डिवाइडेड बाई ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस। तो ए टू एन टू कैंसिल कर लेंगे, इसका जो रिमेन पार्ट है उसको लीजिएगा, रिमेन न्यूमरेटर में बच रहा है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स एंड डिनोमिनेटर में बच रहा है ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। तो ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, ये रिजल्ट आपका रहेगा पार्ट हाइपरबोलिक एक्स का रिलेशन। पार्ट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू पड़ेगा ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। तो सिंप्लीफाई में इसको लिखिए पावर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू पड़ जाएगा ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाई ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस। पार्ट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू आ रहा है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। सेम ऐसे ही पेन हाइपरबोलिक में पार्ट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस बाई साइन रखे हैं, तो कॉस का टर्म लिख दिए हैं क्वांटिटी जो कि होता है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू एंड साइन का होता है ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये बच रहा है न्यूमरेटर में बच रहा है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। तो ये पूरा क्वार्टर हाइपरबोलिक हो जाएगा, क्वार्टर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू लिख रहे हैं ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। ओके, इसके बाद हम लोग क्वार्टर हाइपरबोलिक के बाद सेक हाइपरबोलिक की बात करेंगे। ये सेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू पड़ेगा आपका वन बाई कॉस, वन बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स। वन बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स में कुछ करना नहीं है, बस कॉस हाइपरबोलिक का मान प्रूव कर दीजिएगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्वांटिटी आ रही है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू, तो इसको आप प्रूव करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सेक हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। वन बाई ये है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू। इसको फ्रैक्शन का नियम जानते हैं, अगर इस तरह का फ्रैक्शन आपके सामने आ जाए कभी तो इसको इन्वर्स करके लिख दिया करिए, क्योंकि सिंप्लीफाई बाद ये मिलेगा आपको टू डिवाइडेड बाई ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। इट इज इम्प्लाइड दैट सेक हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स का मान मिलेगा आपको टू डिवाइडेड बाई ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस। एट लास्ट में बच रहा है साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स के बारे में भी खूब अंदाजा लग गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। सेम यही प्रोसेस रहेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स में, साइन हाइपरबोलिक एक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है वन बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसमें साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान को करेंगे, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान है ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाई टू, तो ये मान यहाँ पर पुट कर दीजिए वन डिवाइडेड बाई ई टू पावर एक्स
माइनस e पावर माइनस x बाय फ्रैक्शन के नियम अनुसार इसको इन्वर्ट कर देंगे और इन्वर्ट करने के बाद ये फाइनली रिजल्ट देगा 4 डिवाइडेड बाय e टू पावर x माइनस e पावर माइनस x इट इज इंप्लाइड दैट cos x हाइपरबोलिक x तो आपके हाइपरबोलिक x का मान पड़ेगा आपका e टू पावर 2 डिवाइडेड बाय e टू पावर x 2 डिवाइडेड बाय e टू पावर x माइनस yes. इस तरह हम लोग इन सारे रेशियो का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। छह मूल रूप से रेशियोज हैं जिसको आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, किस तरह कैलकुलेशन आया है देख रहे हैं और इसका रिजल्ट। तो टैन हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक एंड सेक हाइपरबोलिक, कोसेक हाइपरबोलिक यस ये फाइनली प्लान कर लीजिएगा। टैन हाइपरबोलिक x इक्वल टू r x माइनस r माइनस डिवाइडेड बाय टू पावर एक्स, मेन फॉर्मूला ये है वन। देखिए कॉस हाइपरबोलिक इसको याद कर लीजिए ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू। अगर तो आपको लर्न हो जाता है तो इसकी मदद से आप सारे रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये लीजिए टाइम हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कैलकुलेट किया गया है ई टू पावर एक्स माइनस टाइम ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स एंड क्वार्ट हम लोगों का आया है क्वार्ट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू आया है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। एंड इसी तरह सेक हाइपरबोलिक एक्स का मान आ रहा है सेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स एंड कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू आ रहा है टू डिवाइड बाई ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। तो बस दो मेन है उसको लर्न कर लीजिए उसके बाद आप आने सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कुछ आइडेंटिटी हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आप लिख दीजिएगा प्रूव दैट कॉस फर्स्ट साइन में लिखिए साइन हाइपरबोलिक जीरो इज इक्वल टू जीरो। आपको प्रूफ ये करना है साइन हाइपरबोलिक जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। सेम फार्मूला मतलब ऐसे ही पड़ता है जैसे सर्कुलर में पढ़े थे साइन जीरो का मान जीरो कॉस जीरो का मान ए इस तरह करके टेन जीरो का मान जीरो। तो इसमें भी सर ये सारे फार्मूले सेम आए हैं जो तीन अभी आपने सुना। तो फर्स्ट है साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करिए साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है। तो इसको हम लोग इस तरह बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए एल एच एस ले लीजिएगा एल एच एस में है साइन हाइपरबोलिक जीरो। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिएगा फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाय टू। इसमें एक्स का मान जीरो टेकन किया गया है देख रहे हैं अच्छी तरह कि साइन हाइपरबोलिक जीरो का मान कैलकुलेट कराना चाह रहा है वो। तो एक्स की जगह जीरो पुट कर दीजिएगा ओके एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करने का मतलब साइन हाइपरबोलिक जीरो का मान मिलेगा आपको। तो साइन हाइपरबोलिक जीरो में देखिए एल एच एस लीजिएगा साइन हाइपरबोलिक जीरो। तो इसमें फार्मूले में पूरा एक्स जहाँ भी एक्स है वहाँ आप जीरो पुट कर देंगे ओके। देखिए एल एच एस में हम लोग एक्स की जगह जीरो पुट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है साइन हाइपरबोलिक जीरो एंड आर एच एस में ई टू पावर एक्स है माइनस ई टू पावर माइनस एक्स है बाई टू है तो यहाँ भी आप जीरो पुट कर दीजिएगा। ये आ जाएगा ई टू पावर जीरो माइनस ई टू पावर माइनस जीरो बाई टू। एक बात अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा कि किसी भी क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू या वेरिएबल का पावर यदि जीरो है तो उसका मान हमेशा वन होता है। हेलो तो देखिए ई टू पावर जीरो है इसका मान वन हो जाएगा एंड माइनस ई टू पावर जीरो है इसका भी मान वन हो जाएगा। तो यहाँ हम शुरू कर सकते हैं वन माइनस वन बाई आर बाई टू। इसको यूनिवर्स करके लिख लीजिएगा ई टू पावर माइनस जीरो का मतलब होता है वन बाई ई टू पावर जीरो वन बाई ई टू पावर जीरो। देखिए ई टू पावर जीरो का मतलब माइनस जीरो का मतलब होता है वन बाई ई टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन बाई। इस तरह दिखा सकते हैं एक बार वहाँ हमने छुट्टी है वन माइनस
1/1/2 इसको सिंपलीफाई करिए, सिंपलीफाई करने के बाद आप पहुंच जाएंगे यहां पे 1 - 1/2 1 माइनस 1 समझ रहे हैं ना, होता है 0/2 0 आगे अभी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो इस तरह क्लियर हो जा रहा है। साइन हाइपरबोलिक 0 का एलिवेशन 0 आ रहा है, देखिए इस तरह साइन हाइपरबोलिक x का मान हम लोग लिख देते हैं क्वांटिटी में, जैसे रूटिंग की पावर x माइनस की पावर माइनस x बाई 2 है, तो इसमें x का मान 0 पुट कर लीजिएगा, और क्योंकि साइन हाइपरबोलिक 0 का मान आप कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आरएचएस में पुट करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा, और आरएचएस में भी पावर 0 पुट करेंगे और 0 माइनस की पावर माइनस 0 बाई 2 है, इसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर दें, देखिए ई टू पावर माइनस 0 का मान होता है 1/(e^0), ई टू पावर 0 का वैल्यूएशन 1 होता है, किसी भी वेरिएबल या किसी भी मेटर वैल्यू रियल नंबर्स की अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, याद रखिए। ओके, ये मान को कर लेते हैं हम, तो रिजल्ट पहुँच गया है 1 - 1/2 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0/2 = 0 इतना तो जानते ही होंगे, इस तरह प्रूफ हो जा रहा है साइन हाइपरबोलिक 0 = 0 इट इज इंप्लाइड दैट साइन हाइपरबोलिक 0 = 0 नेक्स्ट सेकंड देखिए, सेकंड हम लोग प्रूफ करेंगे कॉस हाइपरबोलिक 0, ये बताइए कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, जानते हैं इसी तरह हाइपरबोलिक में भी ऐसे ही सेम है, ठीक है, तो हाइपरबोलिक में कॉस हाइपरबोलिक 0 cos हाइपरबोलिक 0 का मान आपका हो जाएगा 1। इस बात को प्रूफ करने के लिए सेम प्रोसेस ऐसे ही रहेगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा है, फर्स्ट एंट्रेंस प्रूफ किया है साइन हाइपरबोलिक 0 = 0, इसमें किए क्या है हम लोग साइन हाइपरबोलिक ये उसका फार्मूला लिख लिया है, उसमें फिर एक्स की जगह 0 पुट कर दिया गया है क्योंकि 0 का मान मांग रहा है, तो उसके बाद सिंपलीफाई करके हम लोग रिजल्ट दे दिए हैं, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक 0 = 0 इस तरह साइन 0 का मान 0 होता है। इसी तरह से यही प्रक्रिया अपनाइए कॉस हाइपरबोलिक 0 में जो = 1 दिखाया जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला में है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या डिफाइन किया गया है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स यहाँ डिफाइन किए हैं, इसमें देख लीजिए अभी तक डेफिनेशन निकल गया है, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू पड़ रहा है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बाई 2, तो ये बात पूरा यहाँ बता दीजिए ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बाई 2। अब हमको 0 का मान टेकन करना है, तो एक्स एक्स लेकर 0 पुट करेंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, तो लिख लीजिए पुटिंग पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 देन कॉस हाइपरबोलिक 0 इन एलएचएस साइड में 0 रखिए और साथ में आरएचएस साइड में भी आप 0 ही रखेंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक 0 ये हो गया और आरएचएस में 0 रखेंगे तो ये मिलेगा आपको इट पावर 0 -0/2 सिंपलीफाई कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर 0 होगा तो इसका मान भी एक ही होगा, चाहे तो सिंपलीफाई करके देख लीजिए इट पावर एक्स का मान होता है 1 + x/1 + x² / 2 तो इसमें 0 पुट करेंगे तो 1 के एक मिल जाएगा, तो ये 1 हो गया एंड माइनस प्लस इट पावर -0 तो इसको पहले आप चेंज कर लीजिए इट पावर 0/2 फिर इसका मान पुट करिए 1/1/2 हो जाएगा, 1 + 1 ऐड करेंगे 2/2 = 1 समझ रहे हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं 1, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया कॉस हाइपरबोलिक 0 = 1। फिर से बार रिवाइज कर सकते हैं, देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्वांटिटी होता है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बाई 2 इसका रेशियो है, तो इसमें एक्स की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे क्योंकि हमको कॉस हाइपरबोलिक 0 का मान चाहिए, ये 0 जो है एलएचएस और आरएचएस में दोनों में एक साथ पुट करिएगा, तो एलएचएस में पुट करने के बाद मिल रहा है कॉस हाइपरबोलिक 0 एंड आरएचएस में पुट करने के बाद ये मिल रहा है ई टू पावर 0 प्लस ई टू पावर
माइनस जीरो बाई टू। सिंप्लीफाई करिए, हमेशा ये याद कर लीजिए किसी भी वेरिएबल या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर पावर जीरो है तो वो हमेशा वन होना ही है, इसलिए इस पावर जीरो का मान वन हो जाएगा एंड इस पावर माइनस जीरो का मान हमने कन्वर्ट करके लिखा है तो वन बाई इस पावर जीरो होगा। इस पावर जीरो का मान एक रखते हैं तो एक बाई एक कैंसिल होने के बाद वन मिलेगा और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वन मिलेगा, तो पावर जीरो का मान वन हो जाएगा। एक और बचना है उसको देख लीजिएगा, यह है थर्ड, थर्ड में टैन अपॉन जीरो इक्वल टू जीरो होता है, इस बात का तो इसमें भी हम लोग सिर्फ प्रक्रिया अपनाएंगे और इसका बाद ब्लड डायरेक्टली यूज करके एक्स का मान से निकाल देंगे। देखिए टैन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, देखिए टैन हाइपरबोलिक एक्स फार्मूला भी आपको बताया गया था क्या होता है, टैन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। तो इसको रख लीजिए, ये आ जाएगा ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस। डायरेक्टली फार्मूला यूज करिएगा और इस फार्मूले को याद कर लीजिए, ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, उससे पहले मेन फार्मूला फर्स्ट एंड सेकेंड ये है जो कि कॉस हाइपरबोलिक का है और साइन हाइपरबोलिक एक्स का है, इसको याद कर लेंगे तो आने वाले फार्मूले बड़े आराम से याद कर सकते हैं, नहीं सकते हैं। अब देखिए इसमें टैन हाइपरबोलिक एक्स का मान जीरो का मान पुट करना है तो एक्स की जगह जीरो पुट कर लीजिएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एलएचएस साइड में जाएगा टैन हाइपरबोलिक जीरो एंड आरएचएस साइड में देखिए, आरएचएस साइड में लोगों का रेशियो में दिया है एक्सपोनेंशियल ई टू पावर एक्स एंड माइनस ई टू पावर माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। तो ये पहले एक बार लिख लीजिए ई टू पावर जीरो करके, इसको लिखेंगे हम लोग ई टू पावर जीरो माइनस ई टू पावर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई ई टू पावर जीरो एंड प्लस ई टू पावर माइनस जीरो। सिंप्लीफाई ऐसे ही होगा जैसे अभी हम देखे साइन हाइपरबोलिक केस में एंड कॉस हाइपरबोलिक केस में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस में, तो इसमें भी देखिए कि ऐसे हम जीरो को करके सिंप्लीफाई कर लिए हैं और ई टू पावर जीरो, ई टू पावर जीरो जो भी है उसका मान रख रहे हैं वहाँ, तो यहाँ भी वन माइनस वन बाई वन हो जाएगा इज डिवाइडेड बाई वन प्लस वन बाई वन, इसको सिंप्लीफाई करके तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में वन बाई वन एंड डिनोमिनेटर में वन प्लस वन। देखिए वन माइनस वन बाई वन प्लस वन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जीरो बाई टू पड़ेगा एंड जीरो बाई टू इक्वल टू जीरो होता है, समझ गए फाइनल रिजल्ट में आ जाएगा टेन आई वन जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू आ जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने प्रूव कर लिया तीन मेन फार्मूले, साइन हाइपरबोलिक जीरो का वैल्यूएशन जीरो होता है, कॉस हाइपरबोलिक जीरो का वैल्यूएशन वन होता है एंड टैन हाइपरबोलिक जीरो का वैल्यूएशन भी जीरो होता है। तो इस तरह आप बस इतना ही नहीं अन्य सारे क्वांटिटीज रेशियोज को जैसे सेक हाइपरबोलिक जीरो ओके कॉस हाइपरबोलिक जीरो इस सब फार्मूले में यहाँ और रखने के बाद आप सिंप्लीफाई बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको सपोज दैट से हाइपरबोलिक जीरो का मान पुट करना है तो एक्स इज जीरो पुट कर लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा इस टू पावर जीरो प्लस ई टू पावर माइनस जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो वन प्लस वन भी पड़ेगा, फिर टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हाइपरबोलिक जीरो का मान आपको पड़ जाएगा वन, यहाँ चाहे लिख लीजिए से हाइपरबोलिक जीरो इक्वल टू वन। दूसरा तरीका ये है डायरेक्ट फार्मूले में यूज कर लीजिए, जैसे से हाइपरबोलिक जीरो इज इक्वल टू वन बाई कॉस हाइपरबोलिक जीरो और कॉस हाइपरबोलिक जीरो का मान समझ लीजिए कितना होता है वन, तो वन बाई वन पुट करने के बाद ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वन। इसी तरह देखिए एट लास्ट एक और बचा है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स में फार्मूला यूज कर रहे हैं वन बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला यहाँ यूज कर लीजिएगा और ये इन्फिनिट देगा क्योंकि टू बाई वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और टू बाई जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिट, तो
क्वास हाइपरबोलिक इज इक्वल टू इनफाइनाइट पड़ जाएगा। एंड एक बार और चेक कर सकते हैं, देखिए क्वास हाइपरबोलिक एफ इज इक्वल टू 1 बाय साइन हाइपरबोलिक एफ, यहां यही भी यूज कर लीजिए, यहां 0 रखेंगे एक्स इज इक्वल टू 0, यहां भी 0 हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक 0 का मान देखिए क्या आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक 0 का मान आ रहा है आपका 0, तो ये रिजल्ट दे देगा इट इज इक्वल टू 1 बाय 0। 1 बाय 0 को अनफाइनाइट कर लीजिए, आप फाइनाइट करके हम फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं।